उदाहरण 21, बहुपद 14 एक्स की घात 2 धन 19 एक्स ऋण 3 का गुणन खंडन कीजिए। बहुपद 14 एक्स की घात 2 धन 19 एक्स ऋण 3 की तुलना सबसे पहले हम ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी से करेंगे। तो यहाँ पे हमें ए जो है वो प्राप्त होगा 14, बी 19 और सी ऋण 3, सी बराबर ऋण 3। अब चूंकि कहीं हम ए को सी से गुणा करते हैं तो 14 को हम क्या करेंगे, गुणा ऋण 3 करेंगे, इसमें इसका गुणांक जो है गुणा होगा ऋण 42, हमें ऋण 42 प्राप्त हुआ। अब हम ऋण 42 के संभावित गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, ऋण 42 के संभावित गुणनखंड होंगे ऋण 1 गुणा 42, ऋण 2 गुणित 21, ऋण 3 गुणा 14 और ऋण 6 गुणा 7, क्योंकि 7 छक्के 42 होता है। उसी तरह से और जो इसके दूसरे रूप हो सकते हैं, 1 गुणा ऋण 42, 2 गुणा ऋण 21, 3 गुणा ऋण 14 या 6 गुणा गुणा ऋण 7, ये ऋण 42 के संभावित गुणन खंड के रूप है। अब इसे इसमें हम यह ऐसी संख्या ज्ञात करेंगे जिसका योग मध्य पद जो है 19 के बराबर, b बराबर 19 के बराबर हो। इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो कहीं हम ऋण 2 को और 21 को जोड़ेंगे, इसका योग निकालेंगे, ऋण 2 धन 21 का योग निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 19, जो कि मध्य पद 19 के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 19x को तोड़ के ऋण 2 धन 21 के रूप में लिखेंगे। तो पुनः हम अपना जो दिया गया बहुपद है उसको लिखेंगे, 14x की घात 2 धन 19x ऋण 3 लिख लिया हमने, बराबर 14x की घात 2 को तो वैसे ही लिखेंगे हम, धन 19 के स्थान पर हम लिखेंगे ऋण 2 कोष्टक में ऋण 2 धन 21 और कोष्टक को बंद करके फिर हम x बाहर लिख लेंगे और ऋण 3। अब देखिए इसमें हम आगे देखते हैं, जब हम इसका कोष्टक को खोलेंगे तो हमें 14x की घात 2 ऐसे ही आएगा और ये कोष्टक खुलने पर ऋण 2x और धन 21x ऋण 3 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसके इसका कोष्टक हम बना लेते हैं, कोष्टक में हम पहला पद 14x का वर्ग 14x की घात 2 ऋण 2x को हम कोष्टक में लिख लेते हैं, धन 21x ऋण 3 को दूसरे कोष्टक में लिख लेते हैं, समूह बना लेते हैं। समूह बनाने के बाद इसमें उभयनिष्ठ, पहले कोष्टक में उभयनिष्ठ 2x हमें दिख रहा है तो 2x को हम बाहर निकालेंगे तो दूसरे कोष्टक में हमारा दो पहाड़े में 14 आता है 7 और x निकल चुका है तो 7x ऋण 2x, उभयनिष्ठ निकल चुका है तो यहाँ पे 1 बचेगा, धन यहाँ दूसरे कोष्टक में 3 जो है हमारा उभयनिष्ठ निकल रहा है तो दूसरे कोष्टक में 7x ऋण 1। अब दोनों पद में 7x ऋण 1 जो है कोष्टक में है, इसे पुनः हम क्या निकालेंगे, उभयनिष्ठ निकाल लेंगे 7x ऋण 1 तो दूसरे कोष्टक में हमारे पास मिलेगा 2x धन 3। तो इस तरह से हमने 7x ऋण 3 और 2x धन 3 जो है प्राप्त किया, जो कि हमारे दिए गए बहुपद का अभीष्ट गुणनखंड है, यह इस प्रश्न का हल होगा।